क्यूट से वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ न्यूज़पेपर भी नहीं लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है वॉल हैंगिंग। तो अगर आपको बड़ा बनाना है या फिर पार्टी फ़ोटो प्रॉप की तरह यूज़ करना है तो आप साइज़ में बड़ा लेंगे तो न्यूज़पेपर आपको उस हिसाब से बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने टोटल 8 स्टिक बनाई हैं तो हम आपस में दो दो को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। साइज इक्वल लेना है। यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे और आपस में दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारे पास 4 स्टिक हो जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए डिज़ाइन देखिए आप किस तरह बना सकते हैं। मैंने इस तरह ली है लेकिन आप इसे स्टार शेप पे भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे उस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरी डिज़ाइन कुछ इस तरह रहेगी। यहाँ पर ग्लू की हेल्प से आप इसे आपस में लगा के रख देंगे ड्राई होने के लिए। अब बनाएंगे पेपर फ्लावर। तो यहाँ मैंने क्राफ्ट पेपर का यूज़ करा है। एक फ्लावर सेंटर में लगेगा, वो बड़ा बनेगा, बाकी हम छोटे छोटे बनाएंगे। ये देखिए ये फ्लावर हमारा सेंटर में लगेगा। इसके बीच में येलो कलर से स्मॉल फ्लावर बना के लगाऊंगी मैं। इसे हम सेंटर में लगा देंगे। अब पेंसिल की हेल्प से मैं इसे पीछे की तरफ से हल्का हल्का फोल्ड करूंगी। गाइज अगर आपका मन नहीं है इतने मल्टी कलर यूज़ करने का फ्लावर्स में तो आप मेटेलिक शीट यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप सिल्वर है, कॉपर है, गोल्डन है, इस तरह के फ्लावर लगा सकते हैं। या फिर आपका पेपर फ्लावर लगाने का मन नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। आप लीफ लगा सकते हैं, उसमें रोजेज लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से फ्लावर रेडी कर लिए हैं। अब ये हमारा सूख चुका है तो यहाँ पर मैं इसमें ब्लैक एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ। अच्छे से दोनों तरफ हम पेंट कर देंगे और उसके बाद गोल्डन कलर से मैंने हल्की हल्की शेडिंग करी है। अब बारी है फ्लावर लगाने की। तो इस तरह मैंने फ्लावर बनाए हैं, ग्रीन लीफ बनाई हैं, वो सब अच्छे से लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ बटरफ्लाइज बनाई हैं पेपर की, तो वो मैं एक कॉर्नर में फ्लावर और एक कॉर्नर में बटरफ्लाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर कुछ डार्क मैंने ग्रास बनाई हैं डार्क ग्रीन कलर से, तो वो भी हम बीच बीच में लगा देंगे।
तो गाइस ये देखिए हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। तो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।